नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये डिजिटल क्लॉक बनाना सिखाऊंगा। आई होप आपने मेरे इससे पहले वाले दो वीडियो देखे हैं, जिसमें एक में मैंने आपको एक लार्ज 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाली क्लॉक बनाना सिखाया था और दूसरे में मैंने आपको LCD मॉड्यूल का यूज़ करके डिजिटल क्लॉक बनाना सिखाया था। इस वाले वीडियो में मैं आपको ये छोटे 7 सेगमेंट्स का यूज़ करके एक डिजिटल क्लॉक बनाना सिखाऊंगा, जिसको पावर दिया है हमने एक मोबाइल की बैटरी से। इस सर्किट को बनाना बहुत ही आसान है। आई होप इससे पहले वाले दो वीडियोज़ आपने देखे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक क्लॉक वर्क कैसे करती है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड बटन है, इससे हम इस क्लॉक को ऑन करते हैं और ये वाइट बटन जो है टाइम सेटिंग मोड को ऑन करता है, जिसमें हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो इस बटन को मैं ऑन करता हूँ। इसके बाद हम ये वाइट बटन को एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हम फिर टाइम सेट करने के लिए इनेबल हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ से आवर सेट कर सकता हूँ यहाँ पर, और इससे मिनट सेट कर सकते हैं। और जैसे ही हमें टाइम सेटिंग मोड से बाहर आना हो तो इस वाइट वाले स्विच को अगेन दबाएंगे, ठीक है। तो उससे हमारी नॉर्मल जो है क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको अगेन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं बीच में दो डॉट जो है ब्लिंक करना शुरू हो गए, हमारी जो क्लॉक है वो चलना शुरू हो गई। अब नॉर्मल क्लॉक हमारी चलती रहेगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल सर्किट है ये। आइए शुरू करते हैं किस प्रकार हमने इसे बना। तो जो सामान हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। हमें चाहिए एक 0 PCB, जिस साइज़ की हम ये क्लॉक बनाना चाहते हैं उस साइज़ की 0 PCB हमें चाहिए। और हमें चाहिए ये 7 सेगमेंट्स। 7 सेगमेंट्स हमें चार चाहिए। 7 सेगमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन एनोड टाइप के हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए 3 स्विचेस चाहिए, ठीक है। दो तो हमें जो है टच बटन चाहिए, पुश स्विच, ओके। आप इस तरह के छोटे भी ले सकते हैं, मैं इस वीडियो में बड़े लेने वाला हूँ। इसके अलावा एक ऑन ऑफ स्विच चाहिए इस प्रकार का, ठीक है, पुश टू ऑन पुश टू ऑफ टाइप का, ठीक है। और दो टच बटन्स चाहिए इस तरह के। इसके अलावा हमें चाहिए दो LEDs, दो छोटी सी LED जो बीच में डॉट के रूप में काम करेगी, जिसमें सेकेंड्स डिस्प्ले होंगे एक तरह से, ठीक है। हमें चाहिए 8Mega 328, जो कि माइक्रो कंट्रोलर है, बेयर बोन वाला। वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको बेयर बोन आर्डुनो बनाना सिखाया था। और हमें चाहिए एक IC बेस, ठीक है, इस IC को लगाने के लिए, इस माइक्रो कंट्रोलर को लगाने के लिए। जी हाँ, इतना ही सामान चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ रेसिस्टर्स चाहिएंगे, कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिएंगे। रेसिस्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 1K वैल्यू के हैं, ओके। तो केवल इतना ही सामान हमें चाहिए। बहुत ही ईजी क्लॉक मैं आपको बनाना सिखाऊँगा। पावर देने के लिए हम मोबाइल की बैटरी यूज़ कर सकते हैं या फिर आयन बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। 0 PCB पर हम मार्किंग ले लेंगे कहाँ पर हमें कौन सा कंपोनेंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम कंपोनेंट्स यहाँ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो 7 सेगमेंट्स में यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। पहला 7 सेगमेंट में यहाँ लगा रहा हूँ, जिस पे हम आवर देखेंगे, ठीक है। पहले 2 7 सेगमेंट्स में हमें आवर दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फिर दूसरे अगले 2 7 सेगमेंट्स लगाएंगे। तो बीच में हम क्या करेंगे, 2 LEDs लगाएंगे जो कि डॉट का काम करेगी। ये डॉट जो है ब्लिंक करेंगे हर सेकंड में, ठीक है। आधे सेकंड तक ये ऑन रहते हैं और आधे सेकंड के लिए ये ऑफ रहेंगे। तो इस तरह से हमने 2 डॉट्स हमने बीच में लगा दिए जो सेपरेटर का काम करेंगे। इसके बाद हम मिनट्स लगाएंगे। तो मिनट्स के लिए भी हमें 2 7 सेगमेंट्स चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेआउट आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। कनेक्शन जो है आपको सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना रहेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इन चारों 7 सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। हम एक पुश स्विच हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम केवल PCB के ऊपर एक लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, बाद में हम कनेक्शन करेंगे। तो ये 2 स्विच जो है इनको हम लगाएंगे। ये ब्लैक वाला जो है मैं मिनट्स सेट करने के लिए लगा रहा हूँ, और जो येलो वाला ये स्विच है ये आवर सेट करने के लिए है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें ये माइक्रो कंट्रोलर लगाना है, तो ये हम IC बेस के ऊपर लगाएंगे। तो IC बेस को हम सावधानी से यहाँ पर लगाएंगे PCB पर,
ओके, बेयर बोन आर्डुनो बनाना मैंने सिखाया था मेरे पिछले वीडियो में, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको एक बार ज़रूर देख लें। क्योंकि हम क्या करेंगे कि इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे आर्डुनो से, और फिर ये माइक्रो कंट्रोलर इस पीसीबी पर सेट कर देंगे। एक स्विच हम लगाएंगे ऑन ऑफ के लिए, ठीक है, यहाँ पर सिंपल स्लाइड स्विच है ऑन ऑफ का। यहाँ पर पूरा लेआउट बन गया है। अब इसको हम इन्वर्ट करेंगे और पीछे जो है पीसीबी पर इन सब को सोल्डर करके जोड़ देंगे। दोस्तों ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले असल में इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। फिगर में हम इस प्रकार का यूज़ करेंगे सर्किट डायग्राम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में दोनों पे प्लस लिखा हुआ, ये इसका एनोड है। कॉमन एनोड टाइप का 7 सेगमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, इसमें हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ठीक है, और नेगेटिव ए बी सी डी इन पर देंगे। जिस पर हम नेगेटिव देंगे उससे करस्पॉन्डिंग LED यहाँ ग्लो करेगी। इस जो 7 सेगमेंट बनाए, 8 डिजिट जो बनाए ये इसमें, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी नंबर बनाना है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल ये डिजिट यूज़ करके यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 जितने भी डिजिट्स होते हैं सारे बनेंगे इसी 7 सेगमेंट पर। किस प्रकार मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमें 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हमें कौन कौन सी LED ऑन करनी है, बी और सी। तो हम केवल बी और सी पर नेगेटिव सप्लाई देंगे और पॉजिटिव तो वहीं देंगे सेंटर में, ठीक है। तो ये दोनों ग्लो कर जाएगी तो 1 डिजिट बन जाएगा। उसी तरह अगर हमें 2 बनाना है तो एफ और सी को हमें ऑफ रखना है, ठीक है, बाकी सबको नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस सर्किट में कैसे यूज़ करेंगे इसे मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना है कि 4 7 सेगमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी 4 कॉपी बना लेता हूँ ताकि आप समझ सके, और इन 4 सेगमेंट्स को आपस में हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। किस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक और कॉपी इसकी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 हमने इसकी कॉपी बना ली है। अब जो पहले 2 हैं लेफ्ट साइड में, ये आवर्स बताएंगे, और राइट साइड में जो 2 है वो मिनट्स बताएंगे। अब किस प्रकार देखिए ज़रा, हम क्या करेंगे अभी फ़िलहाल यहाँ बीच में भी 2 LEDs लगा देते हैं ताकि ये जो है डॉट्स का काम करे, जो सेकेंड्स डिस्प्ले करे। तो यहाँ पर हमने जो है 2 LEDs डिस्प्लेस कर दी है, ओके। तो अब मैं आपको सर्किट बनाना सिखाता हूँ। देखिए हमें क्या करना रहेगा कि हम एक ट्रैक यहाँ बिछाएंगे, ठीक है, एक वायर का ट्रैक लगाएंगे, और क्या करेंगे कि सभी के ए को आपस में कनेक्ट कर देंगे इस ट्रैक से, ठीक है। मतलब हम एक कॉमन ए निकाल लेंगे, ये सभी पैरेलली कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम एक और ट्रैक लगाएंगे जिसमें हम सभी के बी ले लेंगे, ठीक है। ये बी है, आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट कलर का वायर यूज़ किया। आप भी डिफरेंट कलर के वायर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। उसी प्रकार एक और ट्रैक हम इसमें यहाँ बिछाएंगे और क्या करेंगे कि सबके एफ को सेगमेंट को अलग ले लेंगे। तो ये सभी जितने भी सेगमेंट है इसमें ए बी सी डी ई एफ, इन सबको हमने आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया है और एक ट्रैक से आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से ये लास्ट एक और जी जो ऊपर की तरफ का लास्ट है, इसके अलावा नीचे भी हमें कुछ ट्रैक। तो जिस प्रकार हमने ऊपर ए बी एफ जी को लिया था, उसी प्रकार हम नीचे सी डी और ई को ले लेंगे, ठीक है। इनको हमने सभी सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, सेम सेगमेंट्स को, ओके। इस तरह से इनकी नेगेटिव पिन्स हमने बाहर निकाल ली है करस्पॉन्डिंग LEDs की, ओके। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई हमें देनी है इन डिजिट्स को, तो इन पिन्स को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये VCC है हर एक 7 सेगमेंट की। ये 7 सेगमेंट्स की हर एक LED को हम जो सप्लाई देंगे वो 1K के रेसिस्टर के साथ देंगे, ओके। ये जो डॉट है, इस डॉट की जो ये 2 LEDs है, इसके दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव पिन्स को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक रेड कलर का वायर लेंगे और रेड कलर का वायर लेके हर एक डिजिट का पॉजिटिव सप्लाई बाहर निकालेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, हम जो ये पॉजिटिव सप्लाई देंगे वो 1K के रेसिस्टर के थ्रू देंगे। यहाँ पर डायग्राम में जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ 1K का रेसिस्टर, लेकिन आप ज़रूर इसको 1K के रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करें, नहीं तो आपका 7 सेगमेंट ख़राब हो सकता है, ओके। ये जो डॉट है, डॉट के पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये रेड वायर यूज़ किया है, और नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली बैटरी से आप जोड़ देंगे, ठीक है। और ये digit 3 है, इसके लिए भी पॉजिटिव सप्लाई इस तरह से हमने बाहर निकाल दी। हम यहाँ पर हर एक का नाम लिख देते हैं, digit 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर मैं टाइप करके लिख देता हूँ digit 1 2
3 और 4 और इसको करस्पॉन्डिंग हर एक डिजिट पे लगा देंगे। ठीक है, इतना अगर आपने समझ लिया है तो अब आगे का सर्किट बहुत ही इजी है। बेयरबोन आर्डुनो वाला वीडियो मैंने एक बनाया था, वो वीडियो आर्डुनो बोर्ड को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो मेरी वेबसाइट है, ये मेरा ब्लॉग है, एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इस वेबसाइट को, इस ब्लॉग को खोल लें। ये पार्ट्स की लिस्ट है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वाला सर्किट मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये वाला सर्किट डायग्राम फॉलो करना है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इस पर हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया है और PF लगाए हैं। ये ABCDEF कैसे निकालने थे मैंने आपको बता दिए, और ये इनके पॉजिटिव सप्लाई है डिजिट 1, 2, 3, 4 की, ये देना है। ये पहले डॉट वाला जो फ्रंट में ले लिया है। यहाँ पर हमने ये तीन बटन लगाए हैं, ये तीन बटन, ठीक है। एक ऑन ऑफ वाला है, पहला वाला जिससे हम सेट करेंगे। पिन नंबर आप देख सकते हैं इस पर लिखे हुए 23, 24 और 25 जो कि यहाँ पर है, और बाकी अदर एंड को हमें ग्राउंड कर देना है। बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम है। और फिर हमें क्या करना है, ये पूरा आप बना लें, उसके बाद आपको ये लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये लाइब्रेरी पर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वाली लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी। लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करना है आर्डुइनो आईडी में मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आप कोड को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन दबा के आप कोड का INO फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप INO फाइल डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर सर्किट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं इन सर्किट्स का। ठीक है, इन वीडियोज़ का। ओके, नाउ अगर एक बार आप डाउनलोड कर लेते हैं कोड, तो कोड आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं एक बार पूरा कोड यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखता कि जो लोग इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहे वो स्क्रीनशॉट्स लेकर इसको वापस से रीटाइप करके पूरा इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो बटन दबा के आप डाउनलोड उसको कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा कोड यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहूँगा, ताकि अगर किसी को लगे कि मैंने वहाँ कोड दूसरा दिया या यहाँ दूसरा दिया तो वो इसको क्लियर कर सके। ओके, जो कोड मैं यहाँ दिखा रहा हूँ यही मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने क्लॉक में। चलिए, यहाँ पर ही हमारा कोड जो है अब ओवर हो गया है। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों हम, कि ये जो है हमारी क्लॉक, ये हमारी डिजिटल क्लॉक जो हमने बना ली है, लेकिन इसमें अभी हमने कोड अपलोड नहीं किया है, कनेक्शन कर दिया है। ओके, यहाँ पर हमें लगाना है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर फ़िलहाल हमने जो है माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो बोर्ड पर ही है, उसे हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, ये इसमें हमने बटन्स लगा दिए हैं, एक आवर सेट करने का, एक मिनट सेट करने का, एक सेट मोड ऑन ऑफ करने का। ठीक है, तो इसको अभी मैं फ़िलहाल हटाता हूँ, और हमारे आर्डुइनो बोर्ड में हमें कोड अपलोड करना है। ये हमारा आर्डुइनो बोर्ड है, इसमें लगा हुआ है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, आप देख सकते हैं। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ हमारे कंप्यूटर से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 8 मेगा जो ले रखा था इसको मैं यहाँ कर देता हूँ आर्डुइनो यूनो, और अब मैं यहाँ पर इसमें पिन लगा देता हूँ, हमारी USB कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे टूल्स में जाने पर आर्डुइनो यूनो पोर्ट आ जाएगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कर लें, कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर लें, ये आ जाएगा। ठीक है, आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आई होप आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उनकी सिंपल प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉम पोर्ट आ गया है, तो अब हम इसमें कोड अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड का बटन है, ये मैं जैसे ही इसको दबाता हूँ तो यहाँ से कोड अपलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ पर आप देखेंगे TX RX जो है LEDs ब्लिंक करेगी और इसमें कोड अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, उस माइक्रो कंट्रोलर को वहाँ से निकाल कर यहाँ पर फिक्स करेंगे। ओके, आई होप इससे पहले जो दो वीडियोज़ मैंने बनाए थे डिजिटल क्लॉक्स पर वो देखे होंगे, वो भी इसी प्रकार के थे, जिसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर को आर्डुइनो से प्रोग्राम किया था और फिर PCB पर लगा लिया था। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन दोनों वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा कोड अपलोड हो गया है, मैसेज आ गया है यहाँ पर कि अपलोड हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक अलाइनर की मदद से मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। बहुत ही सावधानी से हमें इसे निकालना रहेगा, क्योंकि हमारा इससे बोर्ड भी डैमेज हो सकता है, और आईसी की अगर कोई पिन डैमेज हो जाती है तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चिमटी का यूज़ करके मैं इसको सावधानी से निकाल लेता हूँ माइक्रो कंट्रोलर को। 8 मेगा 328 हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 8 मेगा 8 अगर आपके पास हो तो उसे भी इससे प्रोग्राम करके हम इस सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने माइक्रो कंट्रोलर यहाँ निकाल लिया है और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ओके। अब इस सर्किट को पावर देने के लिए हम एक बैटरी का यूज़ करेंगे, तो ये मोबाइल की बैटरी है 3.7 वोल्ट की, ठीक है। 3.7 वोल्ट की बैटरी भी इसको एटलीस्ट 2 या 3 दिन तक चला लेगी ये मोबाइल की बैटरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया है इस कनेक्टर पे, और अब मैं स्विच अगर ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये जैसा कि आपने देखा है कि हमने कोड अपलोड कर दिया है और आर्डुइनो से माइक्रो कंट्रोलर निकाल कर इस सर्किट में हमने लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे ऑन करने वाला हूँ, जैसा कि ऑन हो गया तो इसमें टाइम अभी 0 रहेगा, अब हमें सेट करना रहेगा। टाइम सेट करने के लिए हम इस वाइट वाले बटन को एक बार दबाएंगे, जैसे ही इसे हम दबाते हैं फिर हम इसमें टाइम सेट कर पाएंगे। इस ब्लैक वाले बटन से हम इसमें मिनट सेट करेंगे और इस येलो वाले से आवर्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए अभी 4 बज रहे हैं और 4:10 हो रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी बार दबाएंगे एक एक डिजिट ऐड होता जाएगा। तो 4:10 का टाइम हमने सेट कर दिया। अब हम इस मोड को ऑफ़ कर देंगे, टाइम सेट मोड को। अगेन वो बटन प्रेस करके ऑफ़ करते हैं, फिर ये लाइट्स ब्लिंक करना शुरू करती सेकंड्स वाली, और अब हमारा नॉर्मल क्लॉक चलने लग गया है। अब ये टाइम चलता रहेगा और कैलकुलेट होता रहेगा। ये 12 आवर क्लॉक है, ऐसे ही हम 24 आवर क्लॉक भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बिल्कुल लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।